हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। सो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी, जैसे 0.3 गिवन है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लाइक दिस हमने क्वेश्चंस किए, और होल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम करेंगे जब दोनों ही जो हमें नंबर्स हैं वो दोनों ही किस में हैं, डेसिमल फॉर्म में गिवन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले से हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल हटाना है हमें पहले, देन हम इनको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है 1.2, तो इसको डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 लिख के अपॉन में, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो नीचे 1 लिख के उसके पीछे उतने ही जीरो लगा देंगे। सपोज करो अगर यहाँ पे 1.22 होता तो हम क्या लिख देते, 122 अपॉन डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो नीचे 1 लिख के उतने ही हम पीछे जीरो लगा देंगे। इस तरीके से हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 अपॉन, अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 1 लिख के हम 10 लगा देंगे, बीच में साइन कैसा है मल्टीप्लाई का, देन देखिए 0.3, तो यानी कि 3, 0.3 लिखेंगे या फिर 3, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा आफ्टर जब हम कन्वर्ट कर देंगे इन्हें फ्रैक्शन में। 0.3 भी लिख सकते हैं या अदरवाइज 1, तो जैसे 0.3 है ना, मीनिंग तो इसका 3 ही है ना, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको 3 लिख दिया। अब देखिए वही सेम आ गया, जैसे हमने न्योमिनेटर को न्योमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे न्योमिनेटर की मल्टीप्लाई न्योमिनेटर से हो जाएगी एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो कितना आ जाएगा, 25 3 का कितना आ जाएगा 75 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा आपके पास 100। अब हमें वापस इन्हें कन्वर्ट करना होगा इन फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी इनको कन्वर्ट किया था, जस्ट अपोजिट कर दो। यहाँ पे देखिए 75 है, 1 के बाद देखिए कितने जीरो हैं 2, तो हम इस नंबर में क्या करेंगे, अब उल्टा तरफ जाना है, यानी कि इस तरफ मूव करेंगे हम बैक की तरफ, तो 2 डिजिट को स्किप करेंगे, देन हम क्या लगा देंगे डेसिमल, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.75, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? नाउ देखिए नेक्स्ट, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। अब देखिए 0.1 है तो यहाँ पे 1 अपॉन में, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, यहाँ पे 1 है डिजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके पीछे 1 हम 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 517 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, या 1 ही है ना, तो 1 के पीछे कितने लगा देंगे 0, 1 लगा देंगे। अब सेम देखिए जैसे हमने पहले किया था वैसा बन गया क्वेश्चन, न्योमिनेटर की मल्टीप्लाई न्योमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे 517 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ही रिजल्ट में आता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 517 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा आपके पास 100। सेम प्रोसेस हमें इन्हें कन्वर्ट करना होगा इन फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो कैसे करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे 517, 1 के पीछे कितनी जीरो है देखिए 2, तो हम 2 डिजिट को छोड़ देंगे 1 एंड 2, तो 5.17 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। 3 में देखिए क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 316.8। ठीक है, तो सेम करेंगे, 0.2 है देखिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो यहाँ जाएगा 2 अपॉन में क्या बन जाएगा ये 10, साथ में से मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर एज इट इज़ लिख देंगे, अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो नीचे क्या लिखेंगे 1 और साथ में लगा देंगे 10। अब जस्ट हमने न्योमिनेटर को न्योमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा देखिए, 2 8 का कितना हो जाएगा आपके पास 16, 2 6 12 प्लस 1 13, 2 1 2 एंड 1 3 एंड 2 3 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब सेम इसे हम कन्वर्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, तो पहले एज इट इज़ राइट डाउन कर लेंगे हम। अब देखिए 1 के पास, 1 के पीछे कितनी जीरो है 2, तो हम 2 डिजिट क्या करेंगे स्किप करेंगे पीछे से, तो 1 एंड 2, तो 63.36 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1 गिवन है, सेम लिख देंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा 13 अपॉन में 1 ही डिजिट है पीछे, तो 1 के पीछे 10 आ जाएगी, सिमिलर वैसे यहाँ पे भी 1 डिजिट है, तो ये आ जाएगा 31 अपॉन 10, बाकी सेम प्रोसेस रहेगी, न्योमिनेटर की न्योमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन। सो 13 1 13 13 3 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 40, और अपॉन में कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 100। क्लियर? अब देखिए एज इट इज़ लिखेंगे 403, अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद कितनी जीरो हैं 2 जीरोज़ हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे पीछे से 2 डिजिट को स्किप करेंगे, तो 1 एंड 2, तो यहाँ आ जाएगा 4.03, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? नाउ मूव करते हैं पार्ट 5th की तरफ। पार्ट 5th में दिया है
0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो 5 लिखेंगे और फोन में, और 1 के साथ क्या आ जाएगी, 10। मल्टीप्लाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन में कितने जीरो आ जाएंगे, 2। क्लियर। अगेन न्योमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्योमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो क्या बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा, 1000। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपने, जस्ट आप वन यहाँ पे देखिए कितनी जीरो हैं, 3 हैं, हमने 3 0 एज इट इज़ लिख ली एंड देन 1 की हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट एज इट इज़ लिखेंगे 25, अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 जीरोज़ हैं, तो 3 डिजिट को स्किप करना होगा, तो 1 2, अब थर्ड डिजिट नहीं है तो हम वहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, और ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.025। सो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। ना मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो 1 1 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो यहाँ पे 15 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 के बाद 2 जीरो। सिमिलर वैसे अब दोनों की क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आता है आपके पास यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 2 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15 प्लस 3 18, 15 1 ज़ा 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 16 अपॉन में कितना है आपके पास, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 जीरोस हैं, 1 के बाद हमने 3 जीरोस यूज़ कर दिए, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, 1 6 8 0 एज इट इज़ आ गया, नीचे कितनी जीरो हैं देखिए, 1 2 3, तो 3 डिजिट को स्किप करेंगे, तो 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा, 1.680, या हम इसे लिख सकते हैं 1.68। सो दिस इज़ योर आंसर। ना मूव करते हैं पार्ट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है देखिए 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो क्या लिख देंगे, 1.07 अपॉन में 2 डिजिट हैं, तो 1 के बाद कितनी जीरो आएंगी, 2, मल्टीप्लाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो यहाँ पे 2 एजिटीज़ आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 के बाद 2 ही जीरोस आ जाएंगे। अब सिंपली इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई न्योमिनेटर की न्योमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। सो 107 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 अपॉन, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जीरोस काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10,000। तो आंसर राइट कैसे करेंगे, 2 1 4 एज इट इज़ लिखेंगे, 1 के बाद कितनी जीरोस हैं, 4, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो क्या करेंगे आंसर में, 4 डिजिट को स्किप करेंगे, तो 1 2 3 कोई नहीं है 4 डिजिट, तो वहाँ पे हम लेंगे 0 एंड आंसर क्या आ जाएगा, 0.0214, दिस इज़ योर आंसर। ना मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 10.05 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 1.05 दिया हुआ है। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने यहाँ पे हैं डिजिट, 2 डिजिट हैं, तो 1005 अपॉन में 1 के बाद 0 भी कितनी आ जाएंगी, 2, मल्टीप्लाई 1 के बाद अगेन देखिए 2 डिजिट हैं, तो 105 एच टी आ जाएगा, और इनकी आपस में करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा 1055 25 अपॉन में आ जाएगा, पीछे कितनी है, 4 जीरोज़ हैं, तो 1 2 3 4। अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, 1 0 5 5 2 5, नीचे कितनी जीरोज़ हैं, 1 2 3 4, तो लास्ट से कितने डिजिट स्किप करेंगे, 4, 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10.5525, दिस इज़ योर आंसर। ना मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो देखिए नेक्स्ट पार्ट में 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो राइट डाउन करेंगे 101 पॉइंट पॉइंट हटा देंगे, तो 01 आ जाएगा, अपॉन में 1 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगी, 2, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 अपॉन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 1 के बाद क्या लगाएंगे हम, 20। अब किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है, अपॉन में देखिए 1 कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। आंसर कैसे लिखेंगे, अब 101 यहाँ पे 01 लिख लेंगे, देन देखिए कितनी जीरो हैं, 4, तो लास्ट से क्या करेंगे, 4 डिजिट को स्किप करेंगे, तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1.0101, दिस इज़ योर आंसर। ना मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। 100.01 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो देखिए 100
01। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 1 के पीछे हम कितने जीरो लगाएंगे, 2, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा 11। डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, ओनली 1, सो 1 के बाद जीरो भी लगेगी, ओनली 1। अब जस्ट हमें न्योमिनेटर को न्योमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, सो 11 वन सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 0, 0 और नेक्स्ट आ जाएगा 11 वन सा 11। अपॉन में कितना है आपके पास, 1 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0 1 1। अब देखिए कितने जीरो हैं, 3, तो हम 3 डिजिट को ही स्किप करेंगे, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 110.011। सो दिस इज़ योर आंसर। थोड़ा सा मैं अगेन लिख देती हूँ इसको, ये आ जाएगा आपका आंसर, क्लियर। सो दिस वॉज योर वर्कशीट नंबर 2.6 एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।